हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज इस वीडियो में आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा कर एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस पर आपको फोकस करके चलना है। तो ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन जुलाई 2018 में पूछी गई थी। और क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? नीचे दिए गए कुट में से अपने उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए है शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। ऑप्शन बी है शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन सी है समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। ऑप्शन डी है समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है। ऑप्शन ई है शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है। और ऑप्शन एफ है शिक्षण एक सामाजिक कार्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृति है। नीचे दिए गए कुट में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पर आपको फोकस करके चलना है। देखिए, इस क्वेश्चन में ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए में जो दिया जा रहा है वो कह रहा है कि शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित होते हैं। अविच्छिन्न शब्द का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो शिक्षण और अधिगम दैट मीन्स कि टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से संबंधित है, मतलब ऐसे संबंधित है जिन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षा देना और प्रशिक्षण का भी अर्थ होता है शिक्षा देना, लेकिन शिक्षण और प्रशिक्षण, शिक्षण को इंग्लिश में हम लोग टीचिंग कहते हैं और प्रशिक्षण को इंग्लिश में हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं, लेकिन शिक्षण और प्रशिक्षण में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि शिक्षण का जो स्थान है वो फिक्स नहीं होता, उसका जो वेन्यू है वो फिक्स नहीं होता है। कहीं भी आप लोगों को शिक्षा दे सकते हैं और एक व्यक्ति कुछ भी किसी भी स्थान पर सीख सकता है, किसी भी व्यक्ति से सीख सकता है, लेकिन प्रशिक्षण का स्थान फिक्स होता है, उसका जो वेन्यू है वो फिक्स होता है। जैसे आप यदि कहीं ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो ट्रेनिंग का स्थान फिक्स होता है। तो ये बात याद रखना है, इसीलिए दोनों में थोड़ा स्लाइटली अंतर है। तो ये जो स्टेटमेंट ऑप्शन बी है ये हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन सी है समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। बिल्कुल, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि टीचिंग का जो उद्देश्य होता है, टीचिंग का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि हम लोग छात्रों में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सके, पॉजिटिव चेंज को इंश्योर कर सके। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी है समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है। ऐसी बात नहीं है, जितने भी शिक्षण है वो औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं, दैट मीन्स कि फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षण औपचारिक ही होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति ही हो, शिक्षक कोई भी हो सकता है। जो शिक्षा दे रहा है वो शिक्षक है, जो आपको ज्ञान देता है वो शिक्षक है। तो शिक्षक कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं है कि वो वरिष्ठ व्यक्ति ही हो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन एफ है शिक्षण एक सामाजिक कार्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि शिक्षा देना एक सामाजिक कार्य है। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं दैट मीन्स कि आप उनके भविष्य को निर्मित कर रहे होते हैं और वो एक प्रकार का सामाजिक कार्य होता है, क्योंकि वो समाज के कल्याण के लिए किया गया कार्य होता है। क्योंकि जब आप बच्चे लोग को पढ़ाते हैं तो वही लोग आगे चल के समाज में और राष्ट्र में और
अन्य स्थान पर हम लोगों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपने समाज का, अपने सोसाइटी का और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। तो शिक्षा देना एक सामाजिक कार्य है और अधिगम एक व्यक्तिगत कृति है। अधिगम का मतलब लर्निंग, सीखना। आप इसे सरल शब्दों में सीखना कह सकते हैं कि अधिगम जो है दैट मीन्स सीखना एक व्यक्तिगत कृति है, जबकि शिक्षण क्या है? सामाजिक कार्य है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, ए सी एफ, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन एफ हमारा सही है। बाकी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं अन्य सभी ऑप्शन में वो इनकरेक्ट हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2017 में पूछी गई थी। ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये 2017 में पूछी गई थी, नवंबर 2017 में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के जैसा है। तो बताइए कि ये ऑप्शन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। सेकेंड है शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। थर्ड है शिक्षण में अधिगम निहित होता है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। फोर्थ है शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। और फिफ्थ ऑप्शन है शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। कुट दे रखा है, ऑप्शन ए है फर्स्ट फोर्थ फाइव, बी है सेकेंड थर्ड एंड फाइव, सी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। तो बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, गेस कीजिएगा आप लोग। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये नवंबर 2017 में पूछी गई है और आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो आप क्वेश्चन पर फोकस करके चलिए, ऐसे क्वेश्चन बार बार एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी संभावना है कि एनटीए यूजीसी नेट अपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो बताइए, देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है कि शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के जैसा है, ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। शिक्षण विक्रय के समान नहीं है और अधिगम खरीदारी के जैसा नहीं है। सेकेंड, शिक्षण सामाजिक कृति है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृति है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको इसे एक्सप्लेन किया कि शिक्षण कैसे एक सामाजिक कृति है, क्योंकि जब एक शिक्षक जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, एक विद्यार्थियों को जब ज्ञान दे रहे होते हैं, तो वो एक सामाजिक कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि वही जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो आगे चल के समाज का नाम रोशन करते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं। जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृति है। व्यक्तिगत कृति का मतलब जब व्यक्ति लर्निंग करता है तो खुद व्यक्तिगत, मतलब वो पर्सनली सीख रहा होता है, उसमें कोई अन्य शामिल नहीं होते हैं या वो पर्सनली उस चीज़ को ग्रहण कर रहा होता है, इसीलिए इसे एक इंडिविजुअल एक्टिविटी माना गया है। थर्ड है शिक्षण में अधिगम निहित होता है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। बिल्कुल, शिक्षण में अधिगम निहित होता है, इसका कहने का क्या तात्पर्य है? देखिए शिक्षण क्या है, शिक्षण पारस्परिक रूप से एक दूसरे से सीखने या सिखलाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। अर्थात जब आप किसी को शिक्षा दे रहे होते हैं, जब आप किसी को शिक्षा दे रहे होते हैं, जब आप किसी को सिखा रहे होते हैं, तो आप खुद भी सीखते हैं। इसीलिए शिक्षण में अधिगम निहित होता है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। अधिगम का मतलब सिर्फ सीखना होता है। अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब सिर्फ सीखना होता है। वो आप इंडिविजुअली वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उस एक्टिविटी को आप इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। अर्थात अधिगम में शिक्षण को समाहित नहीं किया जा सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ जो स्टेटमेंट दे रखा है कि शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है। शिक्षण क्या है? एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। देखिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि शिक्षण कोई वस्तु नहीं है जिसे अंतरण किया जा सके, जिसे ट्रांसफर किया जा सके। अंतरण का यहां तात्पर्य ट्रांसफर से है।
शिक्षण कोई वस्तु नहीं है जिसे आप ट्रांसफर कर सक किया जा सके, क्योंकि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों की के अंदर छिपे योग्यताओं और क्षमताओं को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण नहीं है, जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट 4, ये बिल्कुल रॉन्ग है। स्टेटमेंट 5 क्या है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। शिक्षण एक अंतः क्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है, जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि शिक्षण एक अंतः क्रिया है, इंट्रैक्शंस है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और प्रकृति में त्रिपदी है। त्रिपदी कैसे है, क्योंकि इसके तीन पर्पस होते हैं। जैसे कि शिक्षण का क्या पर्पस है, शिक्षण का पर्पस होता है कि चेंज इन नॉलेज, ज्ञान में परिवर्तन, चेंज इन बिलीफ, विश्वास में परिवर्तन, और चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो विद्यार्थियों में के व्यवहार में कुछ वांछित परिवर्तन लाने से होता है। जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। तो ये जो फिफ्थ ऑप्शन है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षण एक सामाजिक कृति है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृति है। सेकेंड, शिक्षण में अधिगम निहित होता है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फिफ्थ, दैट मीन्स कि सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे क्वेश्चन पर आप फोकस किया कीजिए और ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन NTA UGC नेट में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पर फोकस करके चलिएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।